एक और हॉन्टेड प्लेस पे आपका स्वागत है, गोवा की। आ जाओ अंदर, बहुत ही ज्यादा क्रीपी है भाई, खतरनाक, मजेदार। मेलो हाउस, फिर से कह रहा हूं, वीडियो पॉज करके पहले अगर गूगल पे सर्च कर सकते हो ना इस जगह के बारे में तो कर लो, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ जानने को मिलेगा आपको। स्टोरी वाकई में बता ही दूंगा। बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे इंसिडेंट है जो एक किस्म के, मतलब आपको पता होगा सबको कि यहाँ पे पुर्तुगीज का राज चलता था, तो ये भी पुर्तुगीज का ही एक घर था। दो भाई हुआ करते थे जिन पे डिस्ट्रीब्यूट, दोनों का डिस्ट्रीब्यूट का केस चल रहा था इस प्रॉपर्टी को लेकर। और ये प्रॉपर्टी आप देखोगे ना बहुत ही ज्यादा मैसिव और बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी। पीछे ये बैकयार्ड है, काफी सारे इधर रूम्स हैं। तो एक दिन हीट ऑफ द मोमेंट में दोनों की लड़ाई हो जाती है और कोइंसिडेंटली उनमें से एक मारा जाता है। जब वो एक मारा गया ना तो दूसरे को हर वक्त ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ कोई है। उसको पोजेस करने लगी वो चीज, और वो खाता था, बैठता था, उठता था, नहाता था, तो वो चीज उसको बार बार दिखती थी। और उसके भाई की तो गिल्ट में, अब ये एक मिस्ट्री है कि वो गिल्ट में या फिर वो उस आत्मा से इतना ज्यादा पोजेस हो गया था कि उसने ऊपर जाकर एक स्टोर रूम साइड जो होते हैं वहां पर जाकर सुसाइड कर लिया था। उसके बाद बताते हैं कि यहां पर उनके जो रिलेटिव थे वो आए, उन्होंने इस जगह को मतलब कब्जा करने की कोशिश करी। मतलब कब्जा क्या होता है, उन्होंने सोचा कि कोई है नहीं, उन्हीं का मालिकाना हक है इस जगह पर। तो एक दिन कार एक्सीडेंट में पूरे, मतलब पूरा का पूरा जो उनका, उनकी फैमिली थी पूरी खत्म हो गई कार एक्सीडेंट में। उसके बाद जिसने भी यहाँ पर अपना हक जमाने की कोशिश करी है ना, तो या तो उनके घरों में सबकी डेथ होती चली गई है या उनका बुरा टाइम चालू हो गया है। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको गूगल पे देखने को मिलेंगे। और ये वो बैकयार्ड है जहाँ पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसी बैकयार्ड में दफनाया गया था जो पहला वाला जो बंदा मारा था उसको। तो इसी बैकयार्ड में बताते हैं कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड एक्टिविटी देखी जाती है, और बहुत ही जंगल इस टाइम ये बन चुका है पूरा। देख लो आप हर जगह, ये पीछे कितना, पीछे तक कितना बड़ा है आप ये भी आप देख सकते हो। इधर से भी छोटे छोटे जाने के वो बने हुए हैं, इधर से बनते हैं। और अब तो यार इसकी ना कोई केयर करता है, ये पूरा टूट चुका है, आप देख सकते हो क्या हाल है यहाँ पे। ये इसका जीता जागता सबूत है कि क्या हाल हो चुका है इस टाइम इस घर का। लेकिन आसपास के लोग हैं ना यहाँ के बारे में बात भी नहीं करना चाहते, इतना ज्यादा हॉन्टेड और शापित बताते हैं इस घर को। मेन चीज है जब आप यहाँ पर आओगे ना तो ऊपर एक स्टेयर केस है, और ये जो स्टेयर केस है वो अंदर, आप वही दिखाता हूँ मैं आपको स्टेयर केस।
और ये बताते हैं कि उस टाइम पर बहुत यूनिक हुआ करता था, मतलब ऐसा भी कह सकते हो कि जिसके घर पे ऐसे स्टेयर केस हुआ करते थे ना, वो बहुत ज्यादा रिच हुआ करता था, क्योंकि बहुत ज्यादा यूनिक और बहुत कम लोगों के घर में ऐसे स्टेयर केस हुआ करते थे। ये सब इंफॉर्मेशन मैंने इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करा। अब तो यहाँ के आसपास के लोगों ने ही इसको इतना ज्यादा तोड़ताड़ दिया, ये है वो है, बहुत सारे कमरे आपने देखे यहाँ पर, देखो आप ये भी कमरे हैं, इधर भी, इधर भी कमरे हैं, इधर चलते हैं थोड़ा सा। इधर भी देखो कुछ ये रखे हुए, पता नहीं क्या आप कपड़े, शायद यहाँ पे कोई बाद में आया हो रहने, या उसने ट्राई किया हो रहने का, तो कपड़े बर्तन वर्तन ये रखे हुए। और आप ये देख सकते हो कि ऊपर ये कैसे इन्होंने क्या ये बनाए हुए, ये ऐसे कोई डिजाइन बनाया हुआ ये, और जो कि बहुत यूनिक है बहुत ज्यादा। अभी फिलहाल ये पूरा तहस नहस हो चुका है, और ये ऊपर आप देख सकते हो ऊपर से ऊपर टूट गया है एक बार, यहाँ से पूरा आप देखो इसको कि कैसे ये इस टाइम पूरा टूट चुका है ऊपर से छत से। तो ये तो हो पहले कितना प्यारा कितना अच्छा हुआ करता होगा, आज के टाइम पे बिल्कुल एक चीज़ और इसको बहुत ज़्यादा हॉन्टेड चीज़ से जोड़ दिया। अगर देखो ये सीढ़ी स्टेयर के ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, पहले ऊपर भी जाने का पूरा ये जाओ आप डिज़ाइन देख सकते हो कि दीवार पर आपको डिज़ाइन देखेंगे उस टाइम पे शायद चलते हैं। और ये फर्श थोड़ा सा यहाँ से विजिबल है, तो ऐसा कुछ फर्श था। आज के टाइम पे सिर्फ ये खंडर है और कुछ नहीं है, सिर्फ और खंडर है। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना यहाँ के बारे में जो लोग यहाँ के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, और वो सच में ये मानते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है कि यहाँ पे किसी का रह पाना बड़ा मुश्किल है। मैं इसको ढूंढ रहा था जब से ना यहाँ पर, जब से इसकी आपको पिक ज़रूर देखने को मिलेगी जब आप हॉन्टेड डीमेलो हाउस इन गोवा सर्च करोगे, तो देखो आप ये कितना डीप हुआ है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉन्टेड एक्टिविटी होती है। ये देखो शायद आपको दिख भी नहीं पाएगा कि कितना डीप है ये, लेकिन बहुत डीप है। और भाई ये कुत्ते परेशान हो गए कि आज कौन आ गया इस घर में, आप आवाज़ें सुन सकते हो कुत्तों की। ये वो मेन बैकयार्ड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉन्टेड एक्टिविटी होती है, और ये भाई पूरा एक जंगल में बदल चुका है और कुछ नहीं है ऊपर। मैं देख रहा था कि वहाँ से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, दिन में तो मेरे ख्याल से लोग यहाँ पे आके चिल ही करते हैं यार, बियर की बोतल ये सामने रखते हैं यहाँ पे।
सोच रहा था यार कुछ है तो है नहीं यहाँ पर दिखाने को, तो यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। गर्मी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और आई होप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सारी वीडियोस देखना गोवा की, और जिसको ना पता हो, मैंने व्लॉग्स का चैनल जो है वो अलग कर लिया है, तो ज़्यादा प्यार दे रहा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा दीप वर्मा के नाम से, दीप वर्मा व्लॉग चैनल करके आप लिंक जो आ रहा है इस पर जाओ। सारे गोवा के व्लॉग्स, ऐसे ऐसे व्लॉग्स बनाए मैंने, आप बड़ा आपको मज़ा आएगा। गोवा की नाइट लाइफ दिखाई है, गोवा के बारे में बताया है, अनएक्सप्लोर्ड जो प्लेसेस थे उनको एक्सप्लोर किया है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको ये सब देख के। तो यहाँ पर सिर्फ अब सिर्फ हॉन्टेड वीडियोस देखने को मिलेगी आपको, और वहाँ पर आपको व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, और ऐसे व्लॉग्स कंटेंट दिमाग से बाहर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और भी हॉन्टेड वीडियोज अभी आएंगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और शेयर सारे दोस्तों को करना है, हर ग्रुप पे, फेसबुक, व्हाट्सअप, हर जगह फैला दो वीडियो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। अरे दिक्कत कर देंगे, रियल 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 फन करते कांड खुले आम, रियल 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 फन मौज चाले सुबह शाम, रियल 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 फन चाटे शाटे धर देंगे, रियल रियल रियल, अरे दिक्कत कर देंगे।